सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि वो संपत्तियों के विध्वंस के मुद्दे पर सभी नागरिकों के लिए गाइडलाइंस बनाएगी, न कि किसी खास कम्युनिटी के लिए। ये देखते हुए कि उसके निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वो ये स्पष्ट कर देगी कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है, ये संपत्ति के विध्वंस का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, हम जो कुछ भी निर्धारित कर रहे हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम इसे सभी नागरिकों के लिए, सभी संस्थानों के लिए रख रहे हैं, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं। ये देखते हुए कि किसी विशेष धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता, पीठ ने कहा कि वो सार्वजनिक सड़कों, सरकारी जमीन या जंगलों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण की रक्षा नहीं करेगी। पीठ ने यह भी कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आदेश से किसी भी पब्लिक स्थान पर अतिक्रमण करने वालों को किसी तरह की मदद ना मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर दलीलें सुनी जिनमें आरोप लगाया गया कि कई राज्यों में अपराध के आरोपियों सहित संपत्तियों को डिमोलिश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि उसकी इजाज़त के बगैर 1 अक्टूबर तक अपराध के आरोपियों सहित किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाजे कर दिया कि अगर ये माना जाए कि सभी निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है और परिणाम स्वरूप राज्य सार्वजनिक भलाई के लिए उन्हें अपने अधीन ले सकता है, तो आने वाले समय में कुछ भी नहीं बच सकेगा। बताते चले कि मौजूदा दौर में सरकार के इशारे पर कई घर, दुकानें और बड़ी बड़ी इमारतों को डिमोलिश कर दिया गया, खासतौर से वो प्रॉपर्टीज़ जिसके ओनर्स का किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा हो। हालांकि ये कदम तब उठाया जाता था जब उनका मीडिया ट्रायल चल रहा होता था और जांच चल रही होती थी, ऐसे में आम जनता भी लपेटे में आ जाती है, जिसका ऐसे मामलों से कोई भी किसी तरह का सरोकार नहीं होता और उसको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर उसके निर्देशों को किसी भी धर्म की परवाह किए बिना लागू किया जाना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए सहारा समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।